नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देवराहट थाने में तैनात समर सिंह दीवान पर लगे अवैध संबंध के आरोपों में आया नया मोड़। महिला के परिजनों ने आरोपों को बताया निराधार। आरोपीगण पीड़ितों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का पुलिस पर बना रहे दबाव। जी हां, आपको बता दें, पूरा मामला देवराहट थाना क्षेत्र के चैन का पुरवा का है, जहां विगत 24 अगस्त को पीड़ित के पड़ोसी राकेश कुमार ने अपने परिवार समेत पुराने खुन्नस को लेकर पीड़ित के घर लाठी डंडे समेत घर में घुसकर उसके परिवार तथा पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसके कपड़े तक फाड़ दिए थे, जिसको लेकर पीड़ित अवधेश कुमार ने अपनी पत्नी समेत थाना देवराहट पहुंचकर आरोपी राकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पीड़ित अवधेश कुमार द्वारा बताया गया कि पड़ोसी राकेश कुमार द्वारा विगत कुछ महीने पहले गांव में स्थित एक सरकारी हैंडपंप में मोटर डालकर नल में कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत गांव के लोगों समेत पीड़ित ने देवराहट थाने में शिकायत की थी, जहां मौके पर थाने के दीवान समर सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को समझते हुए राकेश कुमार के द्वारा सरकारी हैंडपंप में डाली गई मोटर निकलवा दी थी। अवधेश कुमार द्वारा बताया गया कि इसी खुन्नस को लेकर राकेश कुमार ने हमारी पत्नी और समर सिंह दीवान के बीच अवैध संबंध का झूठा प्रार्थना पत्र एसपी कानपुर को देकर हमारी पत्नी और थाने में तैनात समर सिंह को बदनाम करने में लगा हुआ है, जो गलत है। अवधेश कुमार द्वारा बताया गया कि राकेश कुमार के ऊपर थाना नजीराबाद कानपुर नगर में मोटरसाइकिल चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं, साथ ही देवराहट थाने में भी एक पूर्व मुकदमा दर्ज है। 24 अगस्त को राकेश कुमार अपने परिवार के लोगों समेत मेरे घर में घुसकर जानलेवा हमला करने की नियत से मारपीट की, जिसको लेकर हमारी तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अब राकेश कुमार अधिकारियों को झूठा प्रार्थना पत्र देकर उल्टा हम लोगों पर आरोप लगाकर फर्जी मुकदमा लिखवाने पर लगा हुआ है, जबकि हमारे द्वारा लिखवाए गए मुकदमे में क्षेत्राधिकारी प्रभात कुमार ने जांच की है। वहीं आरोपी राकेश कुमार उसके परिजनों का कहना है कि हम लोगों ने सीओ प्रभात कुमार को रुपए देकर फर्जी मुकदमा लिखवाया है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। आपका सर अवधेश कुमार यादव, थाना कौन सा लग रहा है आपको? थाना देवराहट है सर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके द्वारा देवराहट थाने में आपके ही गांव के कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है और उसका नाम है राकेश कुमार, और राकेश कुमार लगातार एसपी और सीओ को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगा रहा है कि थाने में तैनात एक देवराहट थाने में तैनात है समर सिंह दीवान, उनका आपकी घर की किसी महिला के साथ में कुछ अवैध संबंध के भी आरोप लगाए उसने, अब उस मुकदमे को फर्जी बता रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहोगे, पूरा मामला क्या है? ये सर मामला ये है कि अभी 2-3 महीने पहले राकेश कुमार के द्वारे पे सरकारी नल लगा हुआ है, तो उसने अपनी पर्सनल मोटर डाल रखी थी, तो हम वो रामदेवी जी हमारी वाइफ है, वो वहाँ पे पानी भरने गई तो राकेश ने वहाँ गाली गलौज की और हमारी वाइफ के बर्तन फेंक दिए वहाँ से, तो हमने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, तो इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाने से समर सिंह जी और 2-3 सिपाही आए, तो वहाँ पे आकर उन्होंने तुरंत खड़े खड़े मोटर निकला दी, इस वजह से राकेश कुमार जी समर सिंह के ऊपर हमारी वाइफ के अवैध ये गलत लगा आरोप लगा रहा है सर। अच्छा, ये जो आपने जो मुकदमा लिखवाया है, तो ये मुकदमा लिखवाया है तो किस बात को लेकर मुकदमा लिखवाया? ये मुकदमा इसलिए लिखवाया कि सर जो हमारे चाचा हैं देव सिंह और देवेंद्र फौजी, तो राकेश ये इनके दारू पीने के लिए रुपए मांग रहा था, जब इन्होंने रुपए नहीं दिए तो ये छेड़खानी करने लगा और इनके घर में जाके घर में मारपीट की। ये प्रशांत कुमार सनाव राजेन, राकेश कुमार सनाव मुरली, राजेन सनाव मुरली, विनोद कुमार सनाव मुरली, ये चार लोग जाके वहाँ घर में मारपीट की। आपके कहने मतलब ये है कि समर सिंह दीवान पर जो आरोप लगा रहा है राकेश कुमार, ये निराधार गलत है? ये निराधार, जो समर सिंह दीवान पे आरोप लगा रहा है ना, समर सिंह दीवान हमारा कोई रिश्तेदार है ना कोई हमारा मिलने वाला है, सिर्फ इनको मोटर निकलवाना ये अपनी पुरानी रंजिश की वजह से राकेश कुमार उन पे गलत आरोप लगा रहा है सर। अच्छा, आज जिस तरीके से राकेश कुमार अपने कुछ साथियों के साथ में कप्तान के यहाँ जाकर गलत सूचना देकर मुकदमा लिखवाने की बात कर रहा है कि साहब मेरा मुकदमा लिखा जाए आप लोगों के खिलाफ में, और आपके द्वारा जो लिखा गया मुकदमा उसको खारिज किया जाए, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ये सर हमारा मुकदमा, हमने स्वयं जाके वहाँ 10 तारीख को रात में मुकदमा तुरंत लिखवाया था, स्वयं हम गए थे, हमारे चाचा गए थे,
हम गए थे और इसलिए लिखवा रहा। देखिए वहाँ सीओ साहब ने भी जांच की और हमारे थाने से जो अधिकारी आए तो उन्होंने जांच की, उन्होंने अपने हिसाब से ये अपना मुकदमा लिखवाया। ये तो निराधार झूठ बोल के बोल रहा है। सीओ को आपने 50,000 रुपए दिए और थाने में 30,000 रुपए दिए। कौन आरोप लगा रहा है? ये राकेश आरोप लगा रहा है कि सीओ साहब ने, सीओ साहब को 50,000 रुपए दिए और थाने में 30,000 रुपए दिए। ये अधिकारियों को भी आरोप लगा रहा है? अधिकारियों को भी आरोप लगा रहा है सर। और एक इसका बहनोई है जसवंत सिंह यादव जो पुखराया में रहता है, ये पूरा काम ये करवा रहा है फर्जी तरीके से सब।